फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियोस शेयर किया कीजिए। आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ का स्पेशल एक डिश शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है मुठिया, जो कि बचे हुए चावलों से बनती है। तो आप ये जो चावल आप लोगों का बच जाता है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी एक टिप है इस वीडियो में। तो छत्तीसगढ़ का जो फूड है ना, वो वैसे भी बहुत कम ऑयल और मसालों के साथ बनता है, तो ये एक स्पेशलिटी है छत्तीसगढ़ी फूड की। तो आइए मुठिया बनाना स्टार्ट करते हैं। मुठिया बनाने के लिए मैंने लिया लेफ्ट ओवर राइस, बहुत कम है राइस लेकिन फिर भी इसमें से 4-5 मुठिया तो बन ही जाएगी। और इसमें हम करीब 2 चम्मच राइस पाउडर डाल देंगे, वो इसलिए ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। और राइस, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो वहाँ की मेन फसल धान ही है। तो राइस की आप लोगों को वहाँ पर डिशेस बहुत ज़्यादा मिलेंगी छत्तीसगढ़ कुजीन में। तो बस ये हमने ले लिया है और इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा नमक। अगर आपने राइस में नमक डाला होगा तो उसको मतलब मिलाकर डालिएगा, और अगर राइस में नमक नहीं है तो फिर अकॉर्डिंग टू सामान आप नमक डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। देखिए ये अभी बहुत ड्राई है ना, तो आप अच्छे से चावल में मतलब इसको मसलिए ताकि चावल में थोड़ा थोड़ा आटा गीला हो जाए। फिर अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से एक आटा गूंद लेंगे ताकि हम उसकी डंपलिंग टाइप से बना सकें। हमारा बहुत अच्छे से लग गया है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा कड़क है। तो बस अब थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको हाथों में ऐसे रोल करेंगे। इस व्यंजन को मुठिया भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मुट्ठी से ऐसे दबा दबा कर बनाते हैं, और जब ये बनाते हैं ना तो इसमें हमारी मुट्ठी का निशान बनता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, खैर मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दे दूंगी एक। तो हम सारी मुठिया बनाकर रेडी कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेनली ये सुबह के नाश्ते में खाया जाता है, जब जैसे रात में आपने राइस बनाए वो बच गए तो सुबह उसको लाइक ऐसे बनाकर खाते हैं। या एक और व्यंजन बनता है, उसे कहते हैं फरा, मैं वो भी आप लोगों को कभी किसी दिन बनाकर दिखाऊंगी। और एक और होता है जो गर्मी में ज़्यादातर बनाकर खाते हैं, उसे कहते हैं बासी, और उड़ीसा में उसी व्यंजन को कहते हैं पखाड़ो ऐसा कुछ। तो ओडिशा और हमारा कल्चर काफ़ी कुछ मिलता जुलता है खाने के मामले में, क्योंकि वहाँ पे भी मेन फसल धान है और वहाँ के लोगों का भी स्टेपल फूड लाइक राइस है। तो इस वजह से हमारे और उनके खाने में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हमने सारी मुठिया बनाकर रेडी कर ली है। इसमें देखिए आप मेरी उंगलियों के निशान देख सकते हैं, इसी वजह से इसे मुठिया कहा जाता है। तो चलिए अब इसका बघार लगा लेते हैं। तो आइए मुठिया का हम बघार लगा लेते हैं। बघार मैं फिर से लोहे की कढ़ाई में लगा रही हूं। मैं जब भी कोई नया बर्तन लेके आती हूँ ना तो मुझे बहुत शौक लगता है उसी में कुकिंग करने का। तो मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा।
ऑयल थोड़ा सा कढ़ाई में फैला लेंगे। तो जब तक तेल गर्म होता है मैं बता देती हूँ, बघार में हमें चाहिए तिली और सूखी हुई लाल मिर्च, बस। जैसा कि मैंने बताया, छत्तीसगढ़ी कुजीन बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाती है, लेकिन फिर भी अच्छा और एक यूनिक टेस्ट देती है। तेल गरम हो गया है तो इसमें हम सबसे पहले मिर्च डाल देंगे और फिर डाल देंगे तिली। थोड़ा इसको तड़कने देंगे ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए तेल में भी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। बस इतना पानी डालना है जिसमें ये मुठियां सिक जाएं। और इसको ढक देंगे। अभी इसको चलाना नहीं है, थोड़ा सिक जाए फिर ही हम इसको चलाएंगे। तो अभी मैं इसको ढक रही हूँ। आइए देखते हैं मुठिया कैसे बन रही है। देखिए थोड़ा एक ग्लॉसी सा टेक्सचर आ गया है मुठिया पे। तो बस अब हम इसको पलट लेंगे। इसका जो सुगंध है ना मिर्ची का और तिली का, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। बस अब इसको और अच्छे से सिकने देंगे, फिर इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए एक लेयर से बन गई है क्रिस्पी वाली इन मुठिया पे। तो बस ये मुठिया रेडी है। इसे नींबू के अचार के साथ खाइए या टमाटर की चटनी के साथ, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। मैं आशा करती हूँ छत्तीसगढ़ स्पेशल रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मा सलामा।